बूथ नंबर 232 है टापू माजरी, अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई सर, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं, बूथ सेटअप हो चुका है, लोग वहाँ पर बूथ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पोलिंग शुरू होने का। घोड़ों पीपली के लोगों से, टापू माजरी के लोगों से अपील है कि वो बूथ नंबर 232 पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट बहुमूल्य है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। आचार संहिता लगी हुई है इसलिए इस वक्त ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी 4 जून के बाद, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनकी जो भी मांगे हैं वो ऊपर तक ज़रूर पहुँचें। लंबरदार हूँ मैं, नाम कालू राम है, लंबरदार टापू माजरी का रहने वाला हूँ। बाकी हमारी जो समस्या है ये सबसे बड़ी बहुत पूर्ण की समस्या है और काफ़ी दिनों से यह मांग चली आ रही है, तो हमारी मांग कोई डिमांड नहीं पूरी कर रही सरकार। और जो भी आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं कि अगर हम बन गए या हमारी सरकार तो हम आपका काम ज़रूर करेंगे, जब वो बन जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये काम नहीं होने वाला तुम्हारा। तो जैसे ही काम होने वाला नहीं है तो हमारा भी पोलिंग की तरफ से हाथ खड़े हैं। और यहाँ मेरे गांव में या और भी गांव, ये 10-12 गांव जमुना पार हैं, इनमें ये भी साथ लगे हुए हैं। इनका तो इतना ही बहिष्कार है, आने वाली योजना में और इससे भी ज़्यादा बहिष्कार रहेगा। सब ने समस्या है, परलों ने भी और इन उरलों ने भी। कितनी उम्र? 72 साल की है। न्यू लालोक 19-20 साल तक तो बच्चा जवानी हो, पर हमारे दादा बाबा हर चले गए, हमारे बाप हर चले गए, अगर हम भी ढंगे पर बैठे। बाकी हमारी तो लड़ाई है, हमें तो अपने जवान भाई होता है और अपने जवान लड़कों होता है और अगर पोतों होते भी भाई और ने भी गेल लाते रही हो या लड़ाई लड़ते रहो, नहीं डालेंगे। कोई सा पोलिंग हो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जनता टीवी के लिए सरबजीत एक मेरे में करवा दो, खबरें अभी तक है मम्मी, तेनू किसकी कौन जानी। एक मिनट जल्दी कर लिए भाई, सुनो कर लिए सुनो यार, रोक रुके के ना, एक मिनट रोक, एक चक्कर और दिला देना जरा। दिस इज शिव कुमार शर्मा फ्रॉम द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर यमुनानगर। वी आर गोइंग टू टापू माजरी विलेज वेयर पीपल हैव तो और भी बहुत कुछ आप हैं, कभी ना पता जाना। बाकी जो मर्द की दवा हो डॉक्टर के पास, ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार है, ये हमारी दवा है इन पर।